हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना विजय जैन आपके सामने है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस स्थिति की कि जहां सब कुछ हो लेकिन कुछ भी ना हो। अजीब है लेकिन यही हकीकत है कि जब सब कुछ चाहिए होता है तो आपको सब कुछ छोड़ना होता है। मुझे याद है मेरे पास में एक परिचित मित्र आए थे, बड़े परेशान थे। वो ये मानते थे कि नहीं, मेरे पास शायद इसका समाधान होगा, क्योंकि जिस तरह के काम मैं करता हूं उन्हें यकीन है कि नहीं, इसका समाधान इनके पास जरूर जरूर होगा। इस विश्वास के लिए मैं कहीं ना कहीं उस परमपिता परमेश्वर का भी शुक्रगुजार करता हूं कि उन्होंने लोगों के मन में मेरे प्रति इस तरह की धारणा दी है। तो दोस्तों, मेरे पास आए थे, वो कह रहे थे कि मन शांत नहीं है। मैं कहता हूं कि यार, आपको ध्यान है कि आप क्या करते हो? बोले, मैं ध्यान रखता हूं हर चीज का। मैं क्या करता हूं, कहां जाता हूं, कहां से आता हूं, किससे मिलता हूं, किससे बात करता हूं, अपने कामकाज के ऊपर, अपने व्यापार के ऊपर, अपने रहन सहन के ऊपर, उठने बैठने के ऊपर, तौर तरीके पे, वर्ताव पे, सब पे बहुत ध्यान रखता हूं मैं, फिर भी मैं खुश नहीं हूं। तो दोस्तों, मैंने उनसे कहा, क्या चाहते हो कि मन शांत रहे तो आपको ध्यान नहीं रखना है? बड़ा अजीब लगा उनको सुनकर। बोले, कैसी बात कर रहे हो यार, हर चीज का ध्यान रखता हूं फिर भी मन शांत नहीं है, और तुम कह रहे हो कि ध्यान हटा दो, ध्यान मत रखो किसी चीज का। दोस्तों, यही हकीकत है, ध्यान से हटना ही ध्यान है। दोस्तों, दो ध्यान होते हैं, एक ध्यान वो होता है जो मन को शांत करता है, और एक ध्यान वो होता है जो मन को अशांत करता है। कामकाज की, धन दौलत की, पैसे की, जीवन के हर चरण पे हर बात की फिक्र करना, उसका ध्यान रखना, ये मन को अशांत करने वाले मुद्दे हैं। और सब कुछ भूल जाना और मन को, चित्त को शांत कर लेना, सब कुछ भुला देना, ये अलग ध्यान है जो मन को शांत करता है। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन की, ध्यान की। अगर चाहते हो कि जीवन में कोई तनाव ना आए, आपका मन हर तरह से शांत रहे, जीवन में कोई परेशानी ना रहे, आप बस आनंद के अंदर झूमते रहो, डोलते रहो, हिलवरे खाते रहो, तो दोस्तों, मन को शांत करना सीखो। और मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान बहुत ज़रूरी है। और ध्यान तभी सफल होता है जब आपको हर चीज़ से ध्यान हटाना आ जाता है। जब तक आपको ध्यान आपके आसपास किसी बात पर, किसी काम पर, किसी मुद्दे पर, किसी चीज पर टिका हुआ है, तो ध्यान सफल नहीं होता। दोस्तों, हमारा मन, ध्यान करते वक्त हमारा मन एक मोबाइल की तरह होता है। हम अपने मोबाइल को, अपने नेटवर्क को उस परम पिता परमेश्वर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर नेटवर्क नहीं मिलता है तो कनेक्शन भी नहीं जुड़ता है, नेटवर्क मिलता है तो कनेक्शन जुड़ जाता है। और उस नेटवर्क को मिलाने के लिए आपको अपना नेटवर्क शांत करना होता है। दोस्तों, मन को शांत कीजिए, ध्यान कीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए परिणाम सामने आएगा कि आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और जब कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा तो आपका ध्यान सफल हो जाएगा, और ध्यान सफल हो गया, मन सफल हो गया, तो जीवन से हर तनाव चला जाएगा। दोस्तों, करके देखिए, वाकई में ये सफल होता है, इसका परिणाम मिलता है, उसके बाद हकलहट तो गया, जीवन की हर समस्या आपके जीवन से दूर चली जाएगी। थैंक यू वेरी मच।